जिद्दी है दिल एपिसोड नंबर 7। आज के एपिसोड में हम बताएंगे बता रहे हैं यहाँ पे मोनू को करण रेडी बोल देते हैं, हाँ चलो अब तू तैयार हो, क्योंकि अब मिशन में मोनू को भी यहाँ पे करण बोल दिया ठीक है, क्योंकि उसको संजू ने ऑफर दिया था। ये रहा सीन, आगे बढ़ता है सीन, आगे बढ़ते हुए देखोगे जहां पे मोनू कराटे सिखा रहे हैं, खुद खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, तो वहां पे करण आते हैं ठीक है। करण आएंगे तो ओ मैडम थोड़ा मुझे भी थोड़ा ट्रेंड कीजिएगा, जान बुझ के उसको मतलब होता है ना कभी तो कुछ दोस्तों के साथ टीज करते हैं वही चीज है या कर बता। तो यहाँ पे मोनू चलिए सर आप मेरा क्या करिए, उन दोनों में प्रैक्टिस होने लगता है ठीक है। अब कराटे में ना एक कभी आप अकेले भी कर सकते हो और कोई पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, कराटे में हो रहा है तब वहां पे कौन मोन, यहाँ पे आप देखोगे संजू का एंट्री होता है, उसी टाइम फैज फैज का कॉल आता है किसके पास, संजू के पास कि मैं आ रहा हूं, वहां पे भी आ रहा है। इसके साथ साथ पीछे से किसका एंट्री हो रहा है, फैज कुछ लड़कों को लेके आ रहे हैं, उसमें से फैज का बहुत अच्छा एक बहुत ही खास दोस्त है, हाँ उसका नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, मैं बोल सकता हूँ सिद्धार्थी या टाइम करके या सिद्धू बोले जी हाँ आप। और सिद्धू किस टाइप का है, मतलब बिंदास लड़का है, देश के लिए लड़ेगा, दोस्त के लिए लड़ेगा और फालतू चीज में रात को दारू पी के सो जाएगा। अब वो जब फैंस के साथ आता है तो ऐसे ऐसे करके आता है, चलते चलते अचानक ऐसे हो जाता है कि वो किसको देखते हैं, संजू को देखते हैं, कौन सिद्धू, सिद्धू जब संजू को देखती है ना ओहो क्या लड़की है यार, क्योंकि यहाँ पे संजू जो है एक आर्मी बेस्ड ड्रेस में टाइट मस्त है ऐसे बोलती है ठीक है। तो फैज यहाँ बोलता है यहाँ पे चुप कर तू, तेरी मैम है, तेरी सीनियर है, ये बोला अच्छा आपकी बीवी, बोले नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बोले नहीं, अरे फैज तेरा ना बीवी है नहीं तेरी गर्लफ्रेंड है तो टेंशन क्यों ले रहा, हम बस आए हैं तेरे साथ ना, मतलब यहाँ पे टीज किया जाएगा, मतलब बोलते हैं संजू और सिद्धू और संजू के बीच में थोड़ा आंखों आंखों में ये नजर होता है, फिर सीन कट होती है दूसरी जगह, फिर जाता है जहां पे सब करण के पास आता है और यहाँ पे ट्रेन चलता है किसके साथ, संजू बोल सकते हैं मोनू के साथ, तो हर कोई एक दूसरे से मिलते हैं। तो संजू को यहाँ पे सिद्धू बोलेगा हेलो मैडम माय नेम इज सिद्धू, वैसे तो मैं बिंदास रहता हूँ लेकिन मुझे देश के लिए और आपके लिए कुछ करना चाहता है। तो संजू बोलते क्या बोला, देश के लिए तो ओके है, मेरे लिए अगर ओके कुछ करना चाहोगे ना तो बस जान बचा के रखना है, ये सब दोनों में चलता रहेगा। वहां पे करण और यहाँ मोनू से मिलाते हैं, यहाँ पे फैज फैज जब देखते हैं मोनू को बोलते ओ यही है करण को तंग करने वाली, बोला हाँ यही है, यह सब चीजें चलेगी ठीक है। अब सब ट्रेंड करने के लिए अब तैयार होते हैं मिशन में बैठे हुए। अब मिशन क्या है कि यहाँ पांच 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 टीम बनेगा, जिसमें से एक टीम संभालेगा फैज, एक टीम संभालेगा आपके फेवरेट मोनू, एक टीम करण, एक टीम यहाँ पे जो है फैज, और फिफ्थ जो यहाँ पे बताया जाएगा यहाँ पे प्रेमुजु, जी हाँ जो परमेश्वर है, जो बोल सकते हैं जितने दिन है प्रेम जी का रोल निभाए उनका, यह पांच मिशन में लगाते हैं। और यहाँ पे पहले यहाँ पे जब मोनू को पांच मिशन में रखा जाता है तो करण बोलता है इसको क्यों रखा जा रहा है, इसको तो एक टीम में रखो, उसको ऊपर टीम की हेड मत। तब यहाँ संजू बोलते हैं सर जी एक्चुअली मैं उनको इसलिए रखना चाह रहा हूँ, अगर इनको रखेंगे तो कोई उसको देखे नहीं, कोई उनको समझेंगे नहीं, तब ये फायदा हम सब ले सकते हैं। बोलो चलो ठीक है, इसी को लेके एपिसोड नंबर 7 पूरी है स्टोरी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया फिर से स्टार्टिंग से देखो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्या बोलते मसाला टाइप का आज के एपिसोड बताया हूँ ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।